हेलो, एचआरए या हाउस रेंट अलाउंस जो इनकम फ्रॉम सैलरी का एक हिस्सा है अंडर सेक्शन 10 सबसेक्शन 13A। एचआरए इज पार्टली टैक्सेबल एंड पार्टली एग्जम्प्ट। तो एचआरए है क्या, हाउस रेंट अलाउंस क्या है? तो हाउस रेंट अलाउंस वो अलाउंस है जो एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को देता है ताकि एम्प्लॉय को यदि भाड़ा देना हो तो उसमें उसे सुविधा मिले। तो क्या एचआरए सिर्फ उन एम्प्लॉयज को दिया जाता है जो रेंटेड हाउस में रहते हैं? नहीं, एम्प्लॉयर ऐसा डिस्क्रिमिनेशन तो कर नहीं सकते कि जो रेंटेड हाउस में है उन्हें एचआरए दे दिया और जो सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस में है या जिन्हें रेंट नहीं पे करना पड़ता है उन्हें एचआरए नहीं दिया। एचआरए यदि एम्प्लॉयर दे रहे हैं उनके जो पॉलिसी है तो उसके हिसाब से ही हैज टू गिव इट टू ऑल इन एन यूनिफॉर्म मैनर। तो फिर एग्जम्प्टेड एचआरए कैसे कैलकुलेट करना है और कौन कौन से सिचुएशंस में एचआरए एग्जम्प्टेड रहेगा? तो एक बात आप समझ लीजिए कि यदि असेसी खुद के मकान में रहता है, मतलब एम्प्लॉई इज रिसाइडिंग इन हिज ओन हाउस और इन अ हाउस इन विच ही इज नॉट रिक्वायर्ड टू पे एनी रेंट, देन एचआरए और हाउस रेंट अलाउंस इज फुल्ली टैक्सेबल। उस सिचुएशन में एम्प्लॉई को पूरा पूरा एचआरए टैक्सेबल रहेगा। फिर पार्टली एग्जम्प्टेड कौन कौन सी सिचुएशन में रह सकता है? तो यदि एम्प्लॉई किसी ऐसे मकान में रहता है इन विच दो इट इज नॉट एग्जैक्टली टू बी सेट टू बी टेकन ऑन रेंट, लेकिन वेयर ही हैज टू कंट्रीब्यूट सम पार्ट ऑफ द रेंट, मतलब रेंट कोई और पे कर रहा है, एम्प्लॉई ने नहीं उसे रेंट पे लिया है, लेकिन उस रेंज में एम्प्लॉय को कुछ कंट्रीब्यूशन करना है या फिर पूरी तरीके से एम्प्लॉय ने उस मकान को रेंट पे लिया है, तो फिर एचआरए उसको जो मिलेगा इट विल बी पार्टली टैक्सेबल और पार्टली एग्जम्प्टेड। तो पार्टली टैक्सेबल या पार्टली एग्जम्प्टेड कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो मिनिमम ऑफ द फॉलोइंग थ्री फिगर्स इज एग्जम्प्टेड, मिनिमम ऑफ द फॉलोइंग थ्री, लीस्ट ऑफ दीज फॉलोइंग थ्री इज एग्जम्प्टेड। तो फर्स्ट इज एच आर ए एक्चुअली रिसीव्ड, हाउस रेंट अलाउंस एक्चुअली रिसीव्ड। सेकेंड इज रेंट पेड इन एक्सेस ऑफ 10% ऑफ सैलरी, मतलब रेंट से 10% ऑफ सैलरी से ज्यादा जितना भी रेंट पे किया गया है वो। एंड थर्ड इज 40% और 50% ऑफ सैलरी। तो नॉर्मली इट इज 40% ऑफ सैलरी बट इन केस ऑफ फोर मेट्रोपॉलिटन सिटीज दैट इज मुंबई कैलकाता चेन्नई एंड दिल्ली, इन दैट सिचुएशन इट इज 50% ऑफ सैलरी एंड फॉर अदर सिटीज इट इज 40% ऑफ सैलरी। तो ये तीन में से जो सबसे कम फिगर रहेगा दैट इज एग्जम्प्टेड। बट सैलरी फॉर दिस पर्पस मींस, मतलब एचआरए एग्जम्प्टेड एचआरए की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए सैलरी का मतलब क्या है? सिर्फ बेसिक सैलरी नहीं, तो बेसिक सैलरी प्लस डियरनेस अलाउंस फॉर्मिंग पार्ट ऑफ सैलरी। इन द प्रीवियस वीडियो वी हैव डिस्कस्ड अबाउट फुल्ली टैक्सेबल अलाउंसेस इन विच आई हैड सेड दैट डियरनेस अलाउंस इफ इट फॉर्म्स पार्ट ऑफ सैलरी देन इट इज टू बी इंक्लूडेड इन द कंप्यूटेशन ऑफ एग्जम्प्टेड एचआरए, इन द कंप्यूटेशन ऑफ एग्जम्प्टेड ग्रेच्युटी एंड ऑल दोस प्रोविजंस। तो वो वाला डीए जो रिटायरमेंट बेनिफिट्स का पार्ट हो रहा है वो डीए प्लस कमीशन इफ इट इज पेड ऑन परसेंटेज बेसिस। इफ कमीशन इज पेड ऑन फिक्स्ड बेसिस देन दैट इज नॉट इंक्लूडेड इन दिस सैलरी। सो सैलरी फॉर द पर्पस ऑफ एचआरए कंप्यूटेशन ऑफ एग्जम्प्टेड एचआरए मींस बेसिक सैलरी प्लस डीएनएस अलाउंस फॉर्मिंग पार्ट ऑफ रिटायरमेंट बेनिफिट्स प्लस कमीशन इफ इट इज पेड ऑन परसेंटेज बेसिस। इनमें से जो भी कम रहेगा दैट विल बी एग्जम्प्टेड, मतलब जो एक्चुअल एचआरए मिलेगा उसमें से ये तीन में से जो कम अमाउंट होगा उसको डिडक्ट किया जाएगा, जो बचेगा दैट विल बी टैक्सेबल एचआरए। और यदि किसी भी एम्प्लॉई को 1 लाख से ऊपर रेंट पे करना पड़ रहा है, मतलब ये जो रेंट पेड हम कह रहे हैं, तो उस सिचुएशन में उस एम्प्लॉई को अपना पैन कार्ड कोट करना पड़ता है, पैन नंबर जो है, सॉरी पैन नंबर कोट करना पड़ता है। तो आई होप यू हैव अंडरस्टूड द मीनिंग ऑफ हाउ टू कैलकुलेट एग्जम्प्टेड एचआरए। इफ यू वांट टू नो एनीथिंग मोर और समथिंग एल्स यू कैन डेफिनेटली ड्रॉप अ मैसेज इन द कमेंट सेक्शन।
एंड स्टे ट्यून्ड, हैप्पी लर्निंग।